नौशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इसराइल में एक कैनेडियन की मौत और दो लापता। कैनेडा के इसराइल और गजा में मौजूदा कैनेडियंस को इंतहाई मोहतात रहने की ताकीद। कैनेडियन वजीर आजम की इसराइल पर हमलों की मजम्मत। शाम में कैदियों के कैंप से रिहा होने वाली खातून कैनेडा पहुंचने पर गिरफ्तार। 29 साल खातून खवातीन और बच्चों के रिहा होने वाले ग्रुप में शामिल थी। खातून को दहशतगर्दी से मुतालिक जुर्म के इल्जाम का सामना है। कैनेडा में मुकीम अगवान शहरी जलजला मुतासरीन की मदद के लिए मुतहरिक। अगवानी कैनेडियन शहरियों का कहना है कि अफगानिस्तान में अपने भाइयों की मदद के लिए पुरअज़म है। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि कैनेडा अफगान अवाम की हिमायत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान जलजले से अमवात की तादाद 2,445 हो गई। अफगान हुकाम के मुताबिक जलजले से 1,500 मकानात तबाह या नुकसान का शिकार हुए हैं। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि वो एक कैनेडियन की मौत और इजराइल में दो दीगर लापता होने की इत्तला से आगाह है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि वो एक कैनेडियन की मौत और इसराइल में दो दीगर लापता होने की इत्तला से आगाह हैं। गजा में अस्करियत पसंद ग्रुप हमास और इजरायली फौज के दरमियान लड़ाई जारी है। कनाडा ने दूसरे ममालिक के साथ मिलकर तशद्दुद की मजम्मत की है और खित्ते में अपने शहरियों को एहतियात बरतने की तनबीह की है। अस्करियत पसंदों ने गजा के करीब जनूबी इसराइल के अंदर हमला करके इसराइली आबादकारों को अगवा कर लिया है। कैनेडियन हुकूमत ने कहा कि वो तवक्को करती है कि गजा में फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, कहा कि कैनेडा इसराइल के खिलाफ मौजूदा दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत करता है। तशद्दुद की ये कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। हम इसराइल के साथ खड़े हैं और अपने दिफा के इसके हक की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मजीद बरां ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कैनेडियंस को मशवरा दिया कि इसराइल मगरबी किनारे और गजा की पट्टी में सिक्योरिटी की गैर मुतवक्के सूरत हाल की वजह से बहुत ज्यादा एहतियात बरतें और उन इलाकों में हर तरह के सफर से गुरेज करें। शाम में कैदियों के कैंप से रिहा होने वाली खातून को कनाडा पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शाम में कैदियों के कैंप से रिहा होने वाली खातून को कनाडा पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। एक 29 साल खातून जो खवातीन और बच्चों के एक ग्रुप में शामिल थी, शाम के जेल कैंप में बरसों के बाद अप्रैल में कनाडा वापस आई थी। उस पर दहशतगर्दी से मुतालिक जुर्म का इल्जाम आयद किया गया। RCMP का कहना है कि ये इल्जाम फोर्स की इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम की तहकीकात के बाद लगाया गया था। 4 कैनेडियन खवातीन और 10 बच्चे अलरोस कैंप में बरसों तक कैद रहने के बाद अप्रैल में मॉन्ट्रियल पहुंचे, जिनमें से 3 खवातीन को पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया और उन्हें शराइत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अमारा अमजद को जुमेरात को मिल्टन ऑन्टेरियो में मुबैना तौर पर इस्लामिक स्टेट ग्रुप की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। अमजद जमानत की समाअत के लिए ब्रैम्पटन की सूबाई अदालत में पेश हुए और उन्हें शराइत के साथ रिहा कर दिया गया। उसकी अगली अदालत की तारीख 17 नवंबर मुकर्रर है। कनाडा भर में अफगान बाशिंदे एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठे हुए हैं और चंदा इकट्ठा करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं।
मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में अफगान बाशिंदे एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठे हुए हैं और चंदा इकट्ठा करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, क्योंकि वो हफ्ते के रोज अपने आबाई मुल्क में आने वाले जलजले के बारे में तफसीलात के लिए खबरों को देख रहे हैं, जिसमें मुबैना तौर पर 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। अफगान सोसाइटी ऑफ कैलगरी के नायब सदर फरीद तैमूरी ने कहा कि वो अल्बर्टा में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से मगरबी अफगानिस्तान में आने वाले ताकतवर जलजले से होने वाली तबाही की वीडियोज देख कर खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। तमाम आफात जो हुई हैं, हुकूमत का गिरना और उसके ऊपर जलजला और लोगों का बेघर होना, सच पूछें तो ये तकलीफ देह है, और हम सबसे ज्यादा जो कुछ कर सकते हैं वो सिर्फ चंद डॉलर जमा करना है, उसे भेजें और बेहतरीन की उम्मीद रखें। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि 6.3 शिद्दत के जलजले का मरकज अफगानिस्तान के चौथे बड़े शहर हर्रात से 40 किलोमीटर शुमाल मगरब में था। तमाम देहात हमवार हो चुके थे, लाशें मुनहदिम मकानों के नीचे फंसी हुई थीं और मकामी लोग बगैर औजारों के लोगों को निकालने के लिए मदद के मुंतजर थे। तालिबान हुकूमत के एक तर्जुमान ने कहा कि जलजले में 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, लेकिन इतवार की सुपहर तक इस तादाद की आजादाना तौर पर तस्दीक ना हो सकी थी। अगर तादाद दुरुस्त है तो ये जलजला दो दहाइयों में मुल्क में आने वाले मोहलिक तरीन जलजलों में से एक है। 2021 की मर्दमशुमारी में कनाडा में तकरीबन 97,000 अफराद की शनाख्त अफगान के तौर पर हुई। वफाकी हुकूमत का कहना है कि अगस्त 2021 में तालिबान के मुल्क पर कब्जे के बाद से अब तक अफगानिस्तान से 39,000 से ज्यादा महाजरीन कनाडा पहुंच चुके हैं। कनाडा की वजीर खारजा मिलानिया जोली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इनके ख्यालात अफगानों के साथ हैं, जब उन्होंने तबाही का सामना किया कनाडा अफगान अवाम की हिमायत के लिए तैयार है। इतवार तक ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा कि जलजले के नतीजे में लापता या हलाक होने वाले किसी भी कैनेडियन के बारे में इल्म नहीं है। एजेंसी ने कहा बैरून मुल्क कैनेडियनों की इसकी रजिस्ट्री में अफगानिस्तान में 880 कैनेडियनों की फहरिस्त है। अफगानिस्तान में एक रोज कबल आने वाले जलजले से अमवात की तादाद 2445 हो गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में एक रोज कबल आने वाले जलजले से अमवात की तादाद 2445 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक काबुल से अफगान हुकाम के मुताबिक जलजले से 9,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि जलजले से होने वाली अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। अफगान हुकाम के मुताबिक जलजले से 1,500 मकानात तबाह या नुकसान का शिकार हुए हैं। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलजले से सबसे ज्यादा जानी नुकसान सिला जिंदा जान के गाँव नायब रफी सयाब वर्दगानो करनाल सरबुलंद तशक चाहक और संजाब में हुआ। अफगान हुकाम के मुताबिक मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुकाम का कहना है जख्मियों की मदद के लिए डॉक्टर्स और तिबी सहूलियात काफी नहीं है। अफगान हुकाम के मुताबिक मुल्क के मगरबी सूबे हर्रात में हफ्ते के रोज 6.3 शिद्दत का जलजला आया था। जलजले का मरकज हर्रात से 40 किलोमीटर शुमाल मगरब में था और उसके बाद 4.6 और 6.3 शिद्दत के 7 आफ्टर शॉक्स आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान का जलजला भी रमा बरस फरवरी में आने वाले शाम और तुर्की की तरह तबाहकुन था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार गए थे। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान जलजलों का अक्सर शिकार रहा है, खासतौर पर सिलसिला कोहे हिंदुकश में जो यूरेशिया और इंडियन खित्ते की तह से जुड़ा हुआ है। गुज़िश्ता बरस जून में अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में 5.9 शिद्दत का बदतरीन जलजला आया था, जिसमें 1,000 से ज्यादा अफराद जाबहक और लाखों लोग बेघर हो गए थे। रवा बरस मार्च में जुनूब मशरकी अफगानिस्तान के इलाके जौरम में 6.5 शिद्दत का जलजला आया था और इसके नतीजे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 13 अफराद जाबहक हो गए थे। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Thank you.